हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल डॉट इन, इंडिया नंबर वन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ इन द प्रैक्टिस टाइम फॉर सैनिक स्कूल सिक्स क्लास। स्टूडेंट, अभी तक मैं आपके लिए टू सेट्स अपलोड कर चुकी हूँ फॉर जीके, स्टार्टिंग जीके एंड जनरल साइंस के 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100 सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। आज हम अपने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं इन सेट थ्री। आई होप आपको टू सेट्स आपने कंप्लीट कर लिया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे आपके कमेंट्स मिल रहे हैं विद अ गुड मार्क्स। आई होप आप एग्जाम में भी इसी तरह का स्टनिंग परफॉर्मेंस देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज विद द नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। तो जल्दी से क्या करना है आपको, पेन पेपर निकाल लीजिए और अपना एवेल्युएशन स्टार्ट करिए मेरे साथ। आज जो मैं 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जल्दी जल्दी उनको सॉल्व करिए और मुझे बताइए आज आपने कितना मार्क्स गेन किया। 2 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन का मिलेगा, 25 क्वेश्चंस हैं आपके, 50 मार्क्स का आपका जीके का सेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज का सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज लोकेटेड एट विच प्लेस। मॉनेटरी फंड का जो हेड ऑफिस है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बच्चों मॉनेटरी फंड में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर 190 कंट्रीज अराउंड जुड़े हुए हैं देश, जिसमें किसी भी ग्लोबली कंट्रीज को अप्राइज किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फाइनेंशियली हेल्प किया जाता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेड ऑफिस किस कंट्री में है? वॉशिंगटन डीसी, यूएस, लंदन, यूके, रोम, इटली, जिनेविया, स्विट्जरलैंड। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि जो हेड ऑफिस है आईएमएफ का वो कहाँ है। जल्दी से अपना आंसर मार्क करके रखिए अपने पास और मैं आपको बताती हूँ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, वॉशिंगटन डीसी द कैपिटल ऑफ यूएस। तो यूएस में इसका हेड ऑफिस है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन इज नोन एज क्या कहलाता है? बच्चों आप जानते हैं अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर भी, साथ ही रोटेट करते हुए ये कंप्लीट अर्थ सन का भी चक्कर लगाती है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ग्रेविटेशन, इंक्लिनेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज रिवॉल्यूशन, द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो मूवमेंट होता है अराउंड द सन वो कहलाता है रिवॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट चेंजेस ऑफ सीजंस अकर। सीजंस चेंज होते हैं हमारे, विंटर, समर, रेनी, जो सीजंस चेंज होते हैं वो होते हैं चेंजेस इन द डायरेक्शन अराउंड द सन, जब सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है। और रोटेशन क्या कॉज करता है बच्चों? डे एंड नाइट आर कॉज ड्यू टू रोटेशन। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है, अपनी मेज नली लाइन पर रोटेट करती है, तब आपके डे और नाइट कॉज होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट, गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन डैश टू रिड्यूस द पॉल्यूशन लेवल इन द रिवर। बच्चों ये क्वेश्चन है आपका वाटर पॉल्यूशन से। जब गंगा बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई थी, तब एक गंगा एक्शन प्लान के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसमें गंगा के पॉल्यूशन को कम किया गया था। उस एक्शन प्लान जो लॉन्च हुआ था वो किस ईयर में लॉन्च हुआ था? 1982, 1985, 1981, 1992। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाटर पॉल्यूशन से, एनसीईआरटी बुक में पूछा गया है और एग्जाम से पूछा भी जाता है। तो आप मुझे जल्दी से बताएं इसका करेक्ट ऑप्शन, आप जल्दी से अपने पेपर पर सॉल्व करिए और मैं आपको बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 1985 में ये गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था। बच्चों अगर क्वेश्चन आपका ईयर नहीं पूछा गया तो प्लान का नाम भी पूछा जा सकता है कि वाटर पॉल्यूशन गंगा का रिड्यूस करने के लिए किस प्लान को या किस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो प्रोग्राम नेम इज गंगा एक्शन प्लान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ ट्राइबल स्टेट। बच्चों इन राज्य में से कौन सा एक ट्राइबल स्टेट नहीं है, जहां पर कोई भी ट्राइब या कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं पाई जाती है? ओडिशा, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें से किस स्टेट में कोई पर्टिकुलर ट्राइब्स नहीं पाए जाते? ट्राइबल्स जो होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, अपना लिविंग एक कम्युनिटी होती है उनकी, उसी कम्युनिटी में वो रहना पसंद करते हैं, वहीं से अपने डेली नीड्स रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। तो किस स्टेट में कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज बी, हरियाणा में कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं पाई जाती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, सब जगह पर कोई ना कोई ट्राइब्स पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिसोर्स दैट फॉर्म एट मच स्लोअर रेट देन एट विच इट इज कंज्यूम, जितनी तेजी से इन्हें कंज्यूम कर लिया जाता है ये रिसोर्सेज उतनी जल्दी से बनते नहीं है। तो
ये रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? बच्चों आप अपने रिसोर्सेज के बारे में हम जानते हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे सॉइल, एयर, वाटर, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ऑल दीज आर आवर रिसोर्सेज विच वी यूज फॉर आवर डेली एक्टिविटीज, फॉर बर्निंग, कुकिंग के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। तो इनमें से कौन से रिसोर्सेज हैं जो जल्दी से प्रिपेयर नहीं होते जितना तेजी से हम उन्हें अपनी एक्टिविटीज में कंज्यूम कर रहे हैं? तो दीज रिसोर्सेज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये रिसोर्सेज जल्दी से रिन्यू नहीं होते, जैसे सनलाइट, एयर जो आप डेली रिन्यू कर सकते हैं, मिलती है, वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। पर जिन्हें मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाता है, आपका कार्बन कंपाउंड जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू फॉसिल फ्यूल तैयार होता है, इनको मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रिन्यू होने में। तो ये रिसोर्सेज कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। बच्चों ये क्वेश्चन है आपका फॉसिल फ्यूल चैप्टर से। नेक्स्ट, समाथु इज अ ट्रेडिशनल फूड आइटम ऑफ डेट। समाथु जो एक डिश है वो किस स्टेट का एक ट्रेडिशनल डिश है? बच्चों आपको बताना है मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। समाथु एक ट्रेडिशनल डिश है जिसमें पोर्क जो पिग होता है उसके जो फ्लैश को पोर्क कहा जाता है, उसको स्मोक किया जाता है और काफी पसंद की जाती है। ये कहाँ पर, किस स्टेट में इसको खाया जाता है? ये ट्रेडिशनल डिश है कहाँ की? नागालैंड की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। समाथु इज द ट्रेडिशनल डिश फ्रॉम नागालैंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप अभी तक आपके ज्यादा क्वेश्चन ठीक आ रहे होंगे। बच्चों वीडियो को पूरा देखना क्योंकि यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चले हुए हैं, इनमें से इनसे रिलेटेड ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप अपने स्पीच प्रैक्टिस टाइम पर अपना टाइम ना वेस्ट करें, ये क्वेश्चंस करें और पता चले लकीली आपके ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए, क्योंकि मैं हर चैप्टर से जो भी बेस्ट क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर पेपर की स्टडी करके मैं उनको लेके आ रही हूँ। साथ ही बच्चों मैं आपको लास्ट हमारा सेट बचा हुआ है सेट नंबर 4, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट एक बार जीके का स्टार्टिंग जीके का जो हमारा पेपर है 25 क्वेश्चंस का, वो भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहां पर सॉल्व कराऊंगी। तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस इस बार भी आ सकते हैं। तो आप जो पहले से ही एक बार देख चुके होंगे तो थोड़ा सा आइडिया आपके माइंड में पहले ही आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि मुझे किस तरीके से प्रिपेयर करना है या मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल ठीक है प्रीवियस ईयर के पेपर को देख के। बच्चों अगर आप और भी इस तरह के क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप हमारे ज्योमेट्री ऐप से अवेल कर सकते हैं मॉक टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसी तरह के हर टॉपिक के। साथ ही एग्जाम बूस्टर हम यहां पर लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से आपने अभी तक ऐप को अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आप मेरा ये जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आपको एट द करेक्ट टाइम मिल जाए और आप ये 4 सीरीज अपनी कंप्लीट कर सके और जीके को एक पोर्शन को आप कम से कम कंप्लीट कर ले। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्कैटरिंग ऑफ सीड ओवर अ वाइड एरिया इज कॉल्ड एज डैश। बच्चों ये क्वेश्चन है आपका जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल चैप्टर से जनरल साइंस के। बच्चों जब आप कोई भी ट्रैवलिंग करते हुए कोई फ्रूट खाते हैं तो उसका सीड आप कहीं गिरा देते हैं, बर्ड जब कोई फ्रूट उड़कर लेके जाती है उनकी बीक से कोई सीड गिर जाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है कि जो सीड है वो वाइड एरिया तक फैल जाते हैं जिसकी वजह से वो वहीं पर फिर ग्रो हो जाते हैं अगर उनका एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो वो प्रोसेस कहलाता है स्कैटरेशन, जर्मिनेशन, सीड डिस्पर्सल और सीडलिंग। तो द डिस्पर्सल ऑफ सीड, द स्कैटरिंग ऑफ सीड इज नोन एज सीड डिस्पर्सल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सीड डिस्पर्सल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम टू कंजर्व एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। इनमें से कौन सा एक पुराना मेथड है, काफी ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है, फिल किया जाता है, पानी को कंजर्व किया जाता है। आर स्मॉल अर्दन चैक डैम दैट कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर। बड़े से एरिया को, अर्दन एरिया को खोद लिया जाता है और उसको उस तरह से खाली करके उसके अंदर रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है, फिर हम उसे अपने फ्यूचर यूज के लिए यूज करते हैं। तो इनमें से वो कौन सा एक ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है वाटर हार्वेस्टिंग का? बच्चों ये क्वेश्चन आपका ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग चैप्टर से लास्ट ईयर जिसमें से क्वेश्चन आया था राजस्थान के लिए कि राजस्थान में मेथड यूज होता है वाटर कंजर्वेशन का, वो कौन सा है? तो उसमें सीमेंट के कंकाल बनाए जाते हैं, टैंक लाइक स्ट्रक्चर जिनको ऊपर से कवर कर दिया जाता है, इनमें पहले रेन वाटर को स्टोर किया जाता है फिर इन्हें कवर कर दिया जाता है, कहीं कोई इनमें एनिमल गिर के ना मर जाए, ये स्मेली ना हो जाए, पॉल्यूटेड ना हो जाए, तो उनको हम टंका बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया था। तो ट्रेडिशनल वाटर मेथड हमारे कुछ 15 to 16 मेथड्स है जो राजस्थान, जोधपुर में, हिमाचल में यूज होते हैं।
तो उन्हीं में से इस बार मैंने एक क्वेश्चन लग रहा है कि पूछा जा सकता है। तो एक स्टोर रेन वाटर स्टोर करने का बहुत पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, वो क्या कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज जोहोर्स। उसके लिए जो वर्ड यूज होता है, तालाब लाइक स्ट्रक्चर बना दी जाती है जिन्हें जोहोर कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ आसाम। बच्चों आसाम के काफी सारे फोक डांसेस है, बिहू आपने सुना होगा। तो ऐसे ही आसाम का एक क्लासिकल नृत्य है, वो किस नाम से जाना जाता है? सत्रिया डांडिया। डांडिया बच्चों गुजरात का फोक डांस है, भरतनाट्यम कथक दोनों ही क्लासिकल डांस है तमिलनाडु और केरला का। सत्रिया हम बात करें तो ये आसाम का क्लासिकल डांस है, तो सत्रिया इज द करेक्ट आंसर। बच्चों ये चैप्टर आपका क्लासिकल, ये जो टॉपिक है क्लासिकल डांस से है। आपको 7 और 8 यहाँ पर क्लासिकल डांस से, फोक डांस भी आपके है, फोक डांस काफी सारे, तो ये चैप्टर भी आपका इंडियन ट्रेडिशन कल्चर में। लेकिन क्लासिकल डांस तो आप बिल्कुल ही करके चले जाएं सारे, क्योंकि पूछा ही पूछा जाता है। एक डांस लास्ट ईयर भी कथकली के लिए आया था, तो यहाँ पर हमारा आसाम का जो क्लासिकल डांस है वो है सत्रिया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को हैज द हेडक्वार्टर इन। बच्चों आपको पता है यूएन जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उससे काफी सारी कंट्रीज जुड़ी रहती है, उनमें ये प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं सभी देश के डेवलपमेंट के लिए, जैसे यूनेस्को हो गया, साथ ही साइंटिफिक एजुकेशन प्रोग्राम है ये, ऐसे ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है फूड के लिए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसी तरह यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर किस कंट्री में है? फ्रांस पेरिस, यूनाइटेड किंगडम लंदन में, स्विट्जरलैंड के जिनेविया में और सिंगापुर में। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस पेरिस में, पेरिस में इसका, पेरिस सिटी में, फ्रांस देश का जो पेरिस सिटी है उसमें इसका हेडक्वार्टर है, किसका? यूनेस्को का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 67th दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसीव्ड बाय विच एक्टर। बच्चों इस बार जो 50th नेशनल फिल्म अवार्ड हुए थे उसका जो 67th नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस बार दिया गया है, फिल्म इंडस्ट्री का जो हायर अचीवर अवार्ड होता है, जो एक सीनियर एक्टर को दिया जाता है जिन्होंने बॉलीवुड में मूवीज में काफी इयर्स तक अपना काम किया होता है, तो ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है। तो इस बार जो 67th दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो किसे दिया गया है? मनोज कुमार, विनोद खन्ना, रजनीकांत, शशि कपूर। तो करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू यू, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मार्क करिए, और अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज रजनीकांत। रजनीकांत को इस बार का हाईएस्ट अचीविंग जो फिल्म का अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को दिया गया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। करंट अफेयर से है बच्चों, मैंने आपको बताया था सेकंड सीरीज में हमने करा था नीरज चोपड़ा के बारे में, तो नीरज चोपड़ा से और मीराबाई चानू से काफी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को जो मैंने आपको कराए थे घुमा फिरा के उससे रिलेटेड आ सकते हैं, किसने टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर किसने जीता है। इसी तरह ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री का काफी बड़ा अवार्ड है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, राजा जी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन डैश। बच्चों नेशनल पार्क से भी हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो अगर आपने हमारा कोर्स अवेल किया होगा सैनिक कंप्लीट कोर्स जो है उसमें आपको सारे नेशनल पार्क विद लोकेशन बताए गए हैं वीडियो में, अगर नहीं किया है तो आप मॉक टेस्ट से परचेज करके वहां से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्विजेस में आपका अगर रॉन्ग आंसर भी होता है तो उसको सॉफ्टवेयर रेड करके शो किया जाता है, तो आप उसको करेक्ट आंसर शो किया जाता है कौन सा है तो आप लर्न कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है कुछ अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने का, तो आपको बताना है राजा जी नेशनल पार्क किस स्टेट में है? केरला, बिहार, उत्तराखंड, आसाम। सो करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। जो राजा जी नेशनल पार्क है वो किस स्टेट में है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवर नेशनल हेरिटेज एनिमल। बच्चों क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, नेशनल एनिमल नहीं पूछा है, नेशनल हेरिटेज एनिमल पूछा है। तो हमारे देश का जो नेशनल हेरिटेज, हेरिटेज मीन्स जो बच्चों हमें अपने पूर्वजों से विरासत में हेरिडिटरी जो मिलती है, जैसे मॉन्यूमेंट्स है हमारे अकबर के द्वारा बनाए हुए, इसी तरह से हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है? शीप, काउ, डियर, एलिफेंट। तो बच्चों आप जानते हैं लॉर्ड गणेशा को बहुत हिंदू ट्रेडिशन में पूजा भी जाता है, उनकी पूजा भी की जाती है, तो एलिफेंट को उसकी पावर की वजह से हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल माना गया है, तो एलिफेंट इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अजंता एंड इलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। बच्चों फोर्थ फिफ्थ क्लास की जीके की बुक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको मार्क कर ले इंपोर्टेंट। अजंता और इलोरा केव जो है काफी फेमस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है,
ये किस स्टेट में है और कहाँ पर है, ये भी है। जैसे कि जो पुराने राजा हुआ करते थे, लाइक कृष्णा देवा राजा ने शायद यहाँ पर इलोरा केव्स को बनवाया, लेकिन ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है अपनी मेकिंग की वजह से। इनका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत अच्छा है, एक ही माउंटेन को इनको कट करके बनाया गया है बहुत अच्छी आर्किटेक्चर के साथ। तो अजंता और इलोरा केव्स कहाँ पर है आपको स्टेट बताना है, तो ऑप्शन है उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो ये कहाँ पर है अजंता और इलोरा केव्स? इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ पर? इनका डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद में ये है। काफी काफी डिस्टेंस है इन दोनों केव्स में, एक साथ नहीं है ये, शायद 100 to 110 किलोमीटर अवे है एक दूसरे से। तो यहाँ पर ये किस स्टेट में है बच्चों, अजंता और इलोरा केव्स? इन महाराष्ट्र, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। आई होप आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा अगर आपने थर्ड फोर्थ क्लास में अपनी जीके की बुक में पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट डिड इंडिया अडॉप्ट इट्स नेशनल एम्बलम? जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो किस से लिया गया है, किस मॉन्यूमेंट से लिया गया है? आप जानते हैं नेशनल एम्बलम में फोर यहाँ पर लॉयन है जो बैक टू बैक खड़े हैं, साथ ही गैलोपिंग करतवा हॉर्स है, सेंटर में अशोका चक्र है और ऑक्सन भी है एक बुल, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस मॉन्यूमेंट से ये लिया गया है नेशनल एम्बलम? कपिलवस्तु, हस्तिनापुर, सरनाथ, पानीपत। तो ऑप्शन विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी, सरनाथ एम्बलम, लॉयन ऑफ अशोका जो हमारा है, सरनाथ अशोका लॉयन से ये लिया गया है, तो जिसको हमारा नेशनल एम्बलम बनाया गया है। ओके, तो किससे लिया गया है? सरनाथ से, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? बच्चों ये क्वेश्चन है आपका डिफेंस से, मिलिट्री एक्सरसाइज से, जो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करती है कोई भी दो कंट्री आपस में जुड़ के, तो उसी में एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण मिलिट्री। ये इंडिया ने किस कंट्री के साथ कंडक्ट की है? जापान, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। अगर आपने इसको पढ़ा है पहले तो आप जल्दी से टिक कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट आंसर इज डी, नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में ये कंडक्शन हुआ है सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज। सी क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट, कॉलरा इज कॉज्ड बाय? बच्चों इसका आंसर आप मुझे बिल्कुल करेक्ट करेक्ट मार्क करके बताएंगे, मुझे कमेंट में बताएंगे कितनों का सही है, क्योंकि मैं इसे माइक्रोबियल डिजीज में पहले भी करा चुकी हूँ और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका माइक्रोबियल डिजीज और वाटर पोल्यूशन चैप्टर से। कॉलरा किस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? फंगस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या वायरस? तो कॉलरा जो कंडक्ट होता है, सभी का ये करेक्ट आना चाहिए, जिसने पहले वीडियोस को देखा है, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उन्होंने इसे पहले कर लिया होगा। कॉलरा कोज होता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, एंड द बैक्टीरिया इज नोन एज विब्रियो कॉलरे, जिसमें आपका स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू द हैविंग ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। अगर आप पॉल्यूटेड वाटर इंटेक कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपको डिजीज होती है कॉलरा, जिसमें आपको वाटर लॉस होता है, वॉमिट होती है। तो ये किसकी वजह से होता है? ऑप्शन बी, विब्रियो कॉलरे या बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर ऑन अ स्केल? बच्चों अर्थक्वेक से तो आप मान के चलिए एक क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि जो आपका चैप्टर है नेचुरल कैलोमिटीज, जिसमें आपको अर्थक्वेक और फ्लड के बारे में है, क्योंकि अर्थक्वेक से हमारे 2 or 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक तो ऐसे कि जो अर्थक्वेक होता है वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। साथ ही जो आपका इसका इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है ग्राफ पे, उसको कहते हैं सीस्मोग्राफ। मैंने आपको लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें कराया था ये क्वेश्चन। एंड जो पावर नापी जाती है कि अर्थक्वेक कितनी मैग्नीट्यूड के साथ आया है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, वो पावर एक स्केल पे मेजर की जाती है, उस स्केल को हम कहते हैं रिक्टर स्केल। तो ये 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आते हैं, जैसे अगर अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है तो उसको सुनामी कहा जाता है, जैसे 2009 में सुनामी आया था, तभी से डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक स्कूल में लगाई गई थी, डिजास्टर के प्रति इतना अवेयरनेस किया गया है, क्योंकि सुनामी जो फर्स्ट टाइम आया था 2009 में कोस्टल एरियाज में, तो अंडर वाटर अगर अर्थक्वेक है तो सुनामी, एक्सेसिव रेनफॉल हो जाता है तो फ्लड कहलाता है। क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं? तो अर्थक्वेक के 2-3 क्वेश्चन है। अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो कितने तक जो है डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक कहलाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। तो यहाँ पर जो स्केल यूज किया जाता है उसकी पावर मेजर करने के लिए, उस स्केल को कहा जाता है रिक्टर स्केल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट, द यंग वन ऑफ ज़ेब्रा इज कॉल्ड? बच्चों ये यंग वंस का चैप्टर है, यंग वंस ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स के, हम यहाँ पर जो आपके आसपास एनिमल्स होते हैं उनके यंग वंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। लास्ट ईयर भी पेपर में क्वेश्चन आया था, अभी मैं आपको बता देती हूँ। कंगारू के बेबी को पूछा गया था कि कंगारू का यंग वन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है जोए, जी ओ ई वाई, जोए। कंगारू के बेबी को जोए कहा जाता है।
तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, तो आसपास के जो आपके एनिमल्स होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है कि उसका यंग वन क्या कहलाता है। तो इसी तरह जेब्रा का जो यंग वन है वो क्या कहलाता है, कोल्ट। हॉर्स के बेबी को भी हम कोल्ट कहते हैं, अगर फीमेल हॉर्स बेबी बोर्न होती है उसे हम फोल कहते हैं। फोन जो है डियर का बेबी कहलाता है, काफ काउ का बेबी, एलिफेंट का बेबी काफ कहलाता है, पप डॉग के बेबी को हम पप कहते हैं। तो जेब्रा के लिए करेक्ट ऑप्शन बच्चों ए, कोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच एनिमल इज पोज फॉर इट्स हॉर्न, कौन से जानवर की हंटिंग की जाती है, पोचिंग की जाती है उसके हॉर्न के लिए। ऑक्सन, काउ, वर्न हॉर्न राइनोसोर्स, हिप्पोपोटामस। बच्चों आप जानते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में वर्न हॉर्न राइनोसोर्स पाए जाते हैं, इनका हॉर्न बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, गोल्ड से, डायमंड से, इवन कोकेन से भी महंगा होता है, जो एंशियंट टाइम से ही एज अ मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है, लाइक फॉर द डिजीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर, फीवर के लिए प्राचीन समय में से यूज किया जाता था। तो आज भी इन वर्न हॉर्न राइनोसोर्स को पोचिंग किया जाता है इनके हॉर्न के लिए, जो कि इलीगल एक्टिविटी है, इलीगल एक्ट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वर्न हॉर्न राइनोसोर इज द करेक्ट आंसर। सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक एंड सिंसोना हैव, जो सीड्स होते हैं ड्रमस्टिक और सिंसोना उन पर क्या होता है। बच्चों ये आंसर है आपका सीड डिस्पर्सल से, ये कैसे विंड के थ्रू उड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास पाई जाती है क्या, विंड लाइक स्ट्रक्चर। इन सीड की हम बात करें तो इनमें विंड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो विंड के साथ इजिली उड़कर दूर तक चले जाते हैं और वहां जाकर जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ड्रम स्टिक के सीड आपने देखा भी होगा समर में बहुत बारीक सा उड़ता रहता है, फर्न लाइक स्ट्रक्चर, तो इनके ऊपर विंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो इस तरह से आपने ड्रम स्टिक का देखा होगा, इस तरह से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, विंग लाइक स्ट्रक्चर इनके ऊपर होते हैं, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था यहाँ पर इसी तरह का। अ सीड जर्मिनेट इनटू अ टाइनी प्लांट व्हेन इट गेट वाटर एंड वार्मथ फ्रॉम सनलाइट। जब एक सीड जर्मिनेट होता है इन द फेवरेबल कंडीशन और व्हेन इट गेट द फेवरेबल कंडीशन लाइक सनलाइट, प्रॉपर एयर, वाटर, तो जो जर्मिनेट होता है, जो सीड जर्मिनेट होता है वो क्या कहलाता है। न्यू प्लांट, टाइनी प्लांट, जर्मिनेटिंग प्लांट, सीडलिंग। तो द न्यू स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्मड आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ प्लांट दैट इज नोन एज विद अ रूट और अ टाइनी शूट दैट इज नोन एज सीडलिंग। तो जो एक नया प्लांट जर्मिनेट होता है वो सीडलिंग कहलाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ पर्सन हु ट्रेन एंड लुक आफ्टर एन एलिफेंट। जो पर्सन एलिफेंट और एलिफेंट को ट्रेन करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, सर्कस में मतलब यूज किए जाते हैं, और जो उन्हें ट्रेन करने वाले होते हैं उनकी देखभाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं। जैसे आपने स्नेक चार्मर देखे होंगे, जो स्नेक को रखते हैं और लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए प्ले कराते हैं, लाइक मंकी को यूज करने वाले मदारीज होते हैं, तो ऐसे ही जो एलिफेंट को यूज करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स से। तो यहाँ पर जो पर्सन ट्रेन करते हैं और लुक आफ्टर करते हैं एलिफेंट को वो कहलाते हैं महूस। एलिफेंट ट्रेनर हम उन्हें नहीं कहते, स्नेक चार्मर जो बीन बजाकर सांप को अपने पास रखते हैं, मदारी जो गोरिल्ला, बियर और मंकी का खेल दिखाते हैं, तो महूस कौन होते हैं जो एलिफेंट को ट्रेन करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द यंग वन ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड, एलिफेंट के बेबी को क्या कहा जाता है, मैंने भी आपको लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन में बताया था, एलिफेंट का बेबी भी काउ के बेबी की तरह काफी कहलाता है। फोल हमने पढ़ा था, फीमेल जो यंग वन पैदा होता है हॉर्स का उसको कहते हैं, कोल्ट अभी हमने जैबरा का और हॉर्स के मेल बेबी को कहते हैं। लेवरेट, लेवरेट बेबी होता है बच्चों हेयर का, जो यहाँ पर खरगोश की तरह का जो एनिमल होता है हेयर ब्राउन कलर में, उसके बेबी को हम लेवरेट बोलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ दीज ग्रो फ्रॉम रूट्स, इन में से कौन सा रूट से नया प्लांट डेवलप हो जाता है, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड कहते हैं। पोटैटो, कैरेट, जिंजर, स्वीट पोटैटो। बच्चों आपको अगर पता होगा कि पोटैटो, जिंजर और स्वीट पोटैटो आर द स्टेम्स, ये स्टेम होती है, तो रूट तो ये नहीं होती, इन्हें स्टेम कहते हैं, इन्हीं के अंदर सारा फूड स्टोर होता है। तो रूट हमारी कौन होती है, कैरेट, रेडिश और कैरेट जो हमारे होते हैं, गाजर, मूली, वो हमारे रूट्स होते हैं, उन्हीं से नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इनमें से रूट से कौन डेवलप होगा, कैरेट। तो आई होप बच्चों आज के 25 क्वेश्चंस आपको वैल्यूएबल लगे होंगे और आपके बहुत सारे बच्चों के इसमें बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड बच्चों जैसा कि मैंने आपको लास्ट सीरीज में बताया था, अगर आपको किसी भी तरह का कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी टॉपिक की आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं आपको उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी जिससे आप अपना एंड टाइम पर कोई टॉपिक कवर कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अगर अभी तक आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए,
साथ ही अगर आप वेबसाइट पर जाकर भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं www.geometryschool.in, जहां पर आपको जो स्कूल एंट्रेंस लेवल के एग्जाम्स होते हैं लाइक RIMC स्कूल के लिए, RMS, सैनिक, जवाहर नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, सभी के कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं। तो आप वहां पर कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ सकते हैं, लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाला है, टॉपिक वाइज क्विज आप वहां से कर सकते हैं, मिक्स क्विजेस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चों अगर आप कोई भी कोर्स हमारे ऐप से अवेल करते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाता है, जिसमें आपको डेली टाइम टेबल शेयर किया जाता है, नोटिफिकेशन दिए जाते हैं फ्रेशली अपलोडेड वीडियोस के। और बच्चों अगर आपके पास नेट फैसिलिटी नहीं है तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको सारा रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा एट योर एड्रेस। वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करें, साथ ही प्रेस कर ले बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। किसी भी तरह की हेल्प के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दीज व्हाट्सएप नंबर और इवन यू कैन कॉल 24/7। Thanks for watching. See you soon with the next part, which was set number 4. See you. Bye-bye.